दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सफलता कोई एक पल में मिल जाने वाली चीज नहीं होती और दुनिया का हर व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, यह कड़वा सच है। सक्सेस लाइफ में बहुत सारा सैक्रिफाइस मांगती है, बहुत सारी चीजों को त्यागने को कहती है। जिसने अपने जीवन में कष्टों को सह लिया, उसका सामना कर लिया, वही जिंदगी में सफलता पा सकता है। और दोस्तों, सफल होने के लिए लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, तो इसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है एक सफल जिंदगी की शुरुआत एक सफल दिन से होती है, यानी आपके मॉर्निंग रूटीन से। जब हमारी सुबह अच्छी होती है तो पूरा दिन भी अच्छी तरह से बीतता है। और ऐसा कई बार होता है कि अगर सुबह आपका मूड खराब हो गया या आपके दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो आपका पूरा दिन ही खराब हो जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि अच्छी सफल जिंदगी के लिए अच्छी शुरुआत होना बहुत जरूरी है, और वो शुरुआत आप अपने दिन से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, कुछ ऐसे मॉर्निंग रूटीन जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो। अगर आप वैसे इंसान में से हो जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकता, जो लाइफ में सक्सेसफुल तो होना चाहता है मगर उसको हासिल करने के लिए उतना हार्डवर्क, उतना सैक्रिफाइस कभी करना नहीं चाहता, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग हार्डवर्क, सैक्रिफाइस और डिसिप्लिन में रहना जानते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट इस बात को लेकर ये होगा, स्टार्ट योर डे विद ग्रेटिट्यूड। जैसा कि हम सबको पता है, अगर हमारी आज की सुबह अच्छी बीतती है तो हमारा पूरा दिन बेहतर हो जाएगा। अगर एक दिन बेहतर हो गया तो एक हफ्ता, और एक हफ्ता बेहतर हो गया तो एक महीना, इसी तरह पूरा साल और पूरी जिंदगी को आप खूबसूरत बना सकते हैं। तो एक दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मॉर्निंग में सबसे जरूरी है वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है जो भी चीजें वर्तमान में हमारे पास मौजूद हैं उन सभी को आभार व्यक्त करना, यानी आपकी सांसें, ये ब्रह्मांड, सोने के लिए आपका काउच, खाने के लिए भोजन और पीने के लिए आपका पानी, हमारे आसपास के वातावरण में जो भी पॉजिटिविटी मौजूद है उन सबके प्रति थैंकफुल या कहें ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। ये आपका सुबह उठते ही पहला रिचुअल होना चाहिए। दूसरा है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। इस समय बहुत सारे लोगों की एक कॉमन मॉर्निंग रूटीन बन चुकी है, वो है नींद खुलते ही अपने स्मार्टफोन को यूज करना और सुबह उठते ही डोपामिन ले लेना। उसके लिए वो इंस्टा खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, अपने ग्रुप चैट्स खोलते हैं और वहां पर रिप्लाई करना, मीम्स देखना, वीडियोस देखना ये शुरू कर देते हैं, जिनसे उनके दिमाग को डोपामिन मिलता है और उनको अपने दिन भर में क्या करना है इसकी चिंता छोड़कर उनको बस स्क्रोलिंग में लगा देता है। इसलिए अगर आप एक अच्छे दिन की शुरुआत चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि ऐसी सभी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना जो आपको आपके पर्सनल स्पेस से बाहर ले जाती है। मॉर्निंग रूटीन हमेशा आपके पर्सनल स्पेस के अंदर ही होना चाहिए, वहां पर कोई दूसरा या तीसरी चीज मौजूद नहीं होनी चाहिए, ये बात आप हमेशा माइंड में रखें। दोस्तों, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आता है वो है मेक योर बेड। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आपको ये बात पता है कि नहीं, लेकिन अपने बेड को बनाने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ऐसा कई रिसर्चेस में सामने आया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे लोग इस छोटे से काम को भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। बिस्तर से उठने के बाद अपने बिस्तर को ठीक करना कितना आसान काम है, इसको जरूर कीजिए क्योंकि इससे आपको इतने सारे फायदे होंगे, जैसे कि फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ए सेंस ऑफ काम, बेटर स्लीप, एनहेंस ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूव फोकस, रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिडक्शन। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं जिसको आपको गूगल पर जाकर पढ़ना होगा। तो इसलिए सुबह उठते ही अपना बिस्तर, तकिया, कंबल ये सब अच्छे से सेट कीजिए और अपने रूम को रेडी कीजिए। फोर्थ जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना। दोस्तों, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के अनगिनत फायदे हैं। सुबह हर किसी को एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे आप मोटे हो, दुबले हो या फिट हो, आपके लिए एक्सरसाइज करना एक सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होना चाहिए। अगर आप अपने शरीर को दिन का एक घंटा नहीं दे सकते तो ये समझिए कि आपका जीवन व्यर्थ है। आप चाहे स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, बिजनेसमैन हो, ये कुछ मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका शरीर कैसा है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ये समझिए आपकी जिंदगी हेल्दी है। इसलिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज, ये दो चीजें अपनी लाइफ में ऐड जरूर करें। 30 मिनट की मेडिटेशन और एक घंटे का वर्कआउट, ये आपके रूटीन में शामिल होना ही चाहिए। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हैव ए पॉजिटिव विजन, यानी जिंदगी में कुछ करना है ये आपका विजन होना चाहिए। सुबह उठते ही आपके विजन में ये शामिल होना चाहिए। अगर आप कोई विजन नहीं रखते तो कोई फायदा ही नहीं है। जीवन में गोल्स होना, लक्ष्य होना बहुत जरूरी है लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए, और जिसके लिए आपको एडवांस में तैयारी करनी होती है, यानी सुबह ही आपको ये तैयारी करनी है
कि आपको अपने पूरे दिन में क्या क्या रूटीन फॉलो करना है। इससे आपकी लाइफ आसान हो जाएगी और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने अपना आज बेहतर बना लिया तो कल अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। और इसी में कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो आपको सुबह उठते ही फॉलो करने चाहिए, जैसे कि हाइजीन को मेंटेन करना और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये कभी ना भूलें, बिकॉज फैमिली इज एवरीथिंग। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना और नीचे कमेंट में अपने व्यूज जरूर डालना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।